प्रयागराज के कौंधियारा की ओर ले चलते, जहां पर लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। लोग सालों तक मकर संक्रांति का इंतजार करते हैं और लोगों के घरों में इस पावन पर्व पर कई प्रकार के लड्डू भी बनाए जाते हैं। लोगों से बातचीत करने पर मकर संक्रांति के बारे में उन्होंने क्या बताया, आज दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आप ये पंडित जी ये बताइए कि आज जो मकर संक्रांति है उसके उपलक्ष्य में आप मतलब यहाँ के लोग उत्साह कैसे मनाए जाते हैं, जानकारी कुछ बताइए। मकर संक्रांति जो है हिंदुओं का विशिष्ट त्यौहार होता है। इसमें लोग आपस में भी भाईचारा के साथ और प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ और स्नेह के साथ साथ मनाते हैं। और इस पर्व का यह विशेष महत्व होता है कि घर पर अतिथियों के द्वारा बुला करके और लोगों के द्वारा यह सहयोग के साथ और प्रेम के साथ मनाया जाता है। और ये बताए, मकर संक्रांति जो होता है लोगों को इतना उत्साह देखने को मिलता है कि मतलब मकर संक्रांति आए हम लोग ये मतलब बनाकर खिलाएं, उसके बारे में क्या बताते हैं? उसमें यह बताते हैं कि अगर इसके बनाने से यह होता है कि बनाने के साथ साथ हमारा यह भी होता है कि इसमें हम भी खाते हैं, लोगों का सहयोग भी मिलता है, लोगों को भी खिलाते हैं, इसमें हमारा प्रेम बढ़ता है और सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। और उत्साह यह होता है कि हम लोग इसको एक स्नेह और भाईचारा के साथ मनाते हैं। धन्यवाद पंडित जी, प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा, जय हिंद। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।